तो दोस्तों Xiaomi इंडिया में और एक नया फोन को लॉन्च करने वाला है Redmi नंबर सीरीज के अंदर, जी हाँ Redmi 13 5G। और ये अभी ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है, इसका कुछ ट्रीजर पोस्टर भी बाहर आया है Redmi इंडिया का ट्विटर हैंडल पर और Xiaomi का ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये अभी लिस्ट हो चुका है। और सोर्स से पता चला है इस फोन का प्राइस बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है, तो अगर आपका बजट टाइट है तो इस वीडियो को लाइक करके चलिए जानते हैं इस फोन के बारे में। ओके, तो भाई फोन तीन कलर वेरियंट में लॉन्च हो रहा है, ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट। और ये जो डिजाइन है ये बिल्कुल इन्फिनिक्स का स्मार्ट 8 HD की तरह है, बट ये है रेडमी और इसका बैक पैनल और फ्रंट पैनल दोनों पैनल ग्लास का होगा। और इसमें दोस्तों 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो मेन प्राइमरी लेंस होगा, और साथ में एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है। और फ्लैश लाइट तो आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का दिखेगा, एंड इसमें साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। अब देखो भाई इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो हम लोग थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस फोन का कैमरा अच्छा होगा, और ऊपर से Xiaomi का फोन है। एंड अगर इसका डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए तो भाई इसमें 6.79 इंच का फुल HD प्लस 120 रिफ्रेश रेट का एक LCD पैनल देखने को मिल सकता है। अब ये कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लीक होकर न्यूज आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये काफी हद तक सही भी होने वाला है क्योंकि ये जो फोन है चाइना में लॉन्च हुआ था Redmi 13R नाम पे और ये अभी इंडिया में आ रहा है, तो इसका स्पेक्स भी कुछ उस तरीके का ही हो सकता है। डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दिया, इसका डिस्प्ले उतना ज्यादा वो नहीं होने वाला है जैसे कि ब्रिजल्स काम होता है ना, फुल व्यू डिस्प्ले वैसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो पोस्टर रिलीज हुआ है आप इसमें देख सकते हैं इसका ब्रिजल्स काफी ज्यादा दिख रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग मान सकते हैं इसका डिस्प्ले ब्रिजल्स काफी ज्यादा हो सकता है। बाकी अगर फ्रंट सेल्फी कैमरा के बारे में बात किया जाए तो इसमें दोस्तों 16 मेगापिक्सल का एक 5x फ्रंट सेल्फी कैमरा भी दिया गया है जैसे कि आप देख ही रहे हो, और उसी के साथ इसमें दोस्तों 5030mAh का बैटरी भी देखने को मिलेगा जो कि 33W का चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो स्पेक्स के बारे में आप लोगों को जो बता रहा हूँ उसी से आप प्राइस अंदाजा कर लीजिएगा। अगर इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो इसमें स्नैपड्रैगन 4Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल सकता है जो काफी ज्यादा पुराना प्रोसेसर है, और उसी के साथ इसमें 4GB रैम देखने को मिलेगा, 128GB का इंटरनल स्टोरेज होगा, 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, और 8GB रैम 256GB वाला वेरियंट भी देखने को मिल सकता है। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स ये आपको एंड्रॉइड 14 और हाइपर OS पर रन करता हुआ दिख जाएगा। तो ये रहा इस फोन का कुछ स्पेक्स दोस्तों, और ये वाला फोन अगले महीने 9 तारीख को लॉन्च हो रहा है। अब इस वीडियो में मैं आपको इस फोन के बारे में जितने भी स्पेक्स के बारे में बताया है ये आप ध्यान रखिए पूरी तरीके से कंफर्म अभी हुआ नहीं है, भले ट्रीजर पोस्टर आ गया है लेकिन जब तक लॉन्च नहीं होता है तब तक फ़ोन के बारे में बता नहीं सकते। अब मैं आपको जितने भी बारे में बता रहा हूँ भले अदर्स लोग भी बता रहे हैं, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लीक होकर जो न्यूज़ आ रहा है वही मतलब शेयर हो रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत ही मैंने से वीडियो बनाता हूँ, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक मतलब करी दोगे और कमेंट कर देना भाई।